तज्जति परम ज्योतिम समम समस्तरनंत दर्पण तलैव सकला मालिका यत्र। ग्रेट पीपल डू नॉट पास अवे और डू नॉट पास आउट, दे पास ऑन। ज्ञानी जी मरता नहीं है, पर्यायांतर के काल में भी सुरक्षित रूप से अपनी चैतन्य निधि को आगे के भव में ले जाने में सफल होता है। दो जगत होते हैं, एक अंतरंग जगत और एक बहिरंग जगत, और पूरा केंद्र बिंदु अंतरंग जगत को करता हुआ यह साधक जीव आगे बढ़ रहा है। और ये जायज है, जितना पोषण अंतरंग जगत का होगा, बहिरंग जगत की उपेक्षा तो होगी ही। बहिरंग जगत मतलब आप समझ रहे होंगे काय संलेखना, समझ रहे होंगे ना सब। शरीर कृश होगा, यद देह से उपकाराय तद जीव से अपकार कम। जो जो देह के लिए उपकारी है वह जीव के लिए अपकारी है, एंड वाइस वर्सा। जो जो जीव के लिए उपकारी है वह देह के लिए अपकारी है। जो जीव का पोषण करेगा देह का, स्त्री पुत्र आदि के प्रति राग का कुपोषण होगा ही होगा, वो तड़प तड़प कर मर जाएंगे कुपोषण होकर। कौन तड़प तड़प कर मर जाएंगे? बीवी बच्चे नहीं, बीवी के बच्चे के प्रति अपना राग। यथा यथा समायाति संवित्ति तत्वम उत्तमम। जो जो शुद्धात्मा में प्रचुरता आने लगती है, जो जो आत्मा विज्ञान घन होता है, त्यो त्यो बोलो आश्रव से निवृत्त होता है। तथा तथा ना रोचन्ते बोलो विषया सुलभा अपि। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि, वाइस वर्सा। और जो जो विषय अरुचिकर लगने लगते हैं सुलभ भी। दो छंद है ना इष्टोप देश में, यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। जो जो सुलभ विषय भी अरुचिकर लगने लगते हैं त्यो त्यो तथा तथा समायाति संवित्ति तत्त्वम उत्तमम। त्यो त्यो अपने शुद्धात्मा की संवित्ति विशेष रूप से होने लगती है, और वाइस वर्सा। इसी छंद को उल्टे रूप से कहा, और जो जो शुद्धात्मा में प्रचुरता होने लगती है त्यो त्यो सुलभ विषय भी अरुचिकर दिखने लगते हैं। ये संलेखना की प्रक्रिया का प्रकरण है। एक छंद कल हमने इस जयपुर से छपी प्रतिका देखा था, जिसमें इतना ही कहा था, मूल गाथा तो यही बोल रही है, यह एक संलेखना ही समर्थ है मेरे धर्म रूपी धन को आगे ले जाने में। इसलिए मैं निरंतर संलेखना की भावना बहाता हूं और भक्ति से बहाता हूं। इतना प्रकरण कल देखा था, भावार्थ में कषाय संलेखना काय संलेखना को मुख्य करके चर्चा रही थी, जिसमें क्रमशः त्याग और सर्वथा त्याग के रूप में उसको परिभाषित किया गया था। कल आगाज से छपी भावार्थ को हमने देखना प्रारंभ किया था। अभी भी थोड़ा पड़ा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बहुत प्रबल इंटरप्रिटेशन है इनका। अभी जो आप पढ़ते हो उससे भी एकदम चुस्त प्रकरण है। देखो क्या कहते हैं, कल एक लाइन हमने देखी थी भावार्थ में से, आयुष नहीं आज है, क्या देखा था कल? दो प्रकार के मरण, तद्भव मरण और नित्य मरण अथवा अविचि मरण। मैंने कल साथ में यह भी कहा था, यह तो वस्तु के स्वरूप में समाहित है, हर परे जो उत्पन्न हुई है वो दूसरे ही समय में चली जाएगी। एक नई नई परे उत्पन्न होती है अनंत गुणों में, ऐसा निरंतर होता रहता है। एक नया अवसर जीव को निरंतर मिलता रहता है। जीव को क्यों? छह द्रव्य में ही ऐसा पर्यांतर होता रहता है। वह नित्य मरण के रूप में हमने डाला था, और तद्भव मरण में डाला था जो भी उसका भव है अपना,
50, 60, 70 साल जो वर्तमान अपेक्षा हम विचार करें कि जन्म से लेकर एक अक्षत के रूप में जिसको इंगित किया जाता है, सचिन के रूप में इंगित किया जाता है, एक पर्याय, तो उसको तद और उस पर्याय का चला जाना उसको तद्भव मरण यहां से कहा जा रहा था। मैंने ये कहा था भाव मरण अज्ञानी का होगा, कहा था याद आ रहा होगा, क्योंकि और फिर मैंने कहा था सिद्धों को भी नित्य मरण लागू होगा। अभी नई विवक्षा और एक मैं बताऊंगा, अभी सिद्धों में नित्य मरण नहीं लागू करेंगे। ये देखो क्या कहते हैं, मैं इन्हीं के शब्दों में पढूं। मरण दो प्रकार का होता है, पहले नित्य मरण और तद्भव मरण। आयु श्वासोच्छ्वास आदि 10 प्राणों का जो समय समय पर वियोग होता है उसे नित्य मरण, और ग्रहित पर्याय अथवा जन्म के नाश होने को तद्भव मरण अथवा मरणांत कहते हैं। क्या बात फलित हुई, विशेषता कोई बताएगा? लगाओ जोर, लगाओ बुद्धि। शुड आई रिपीट? किसको लगता है मैं रिपीट करूं? दो जन को लगता है रिपीट करूं, तीन जन को लग रहा है, बाकी आपने समझा है विषय अच्छे से तो रिपीट करो, ऐसा नहीं लग रहा है। मैंने कल रात में भी आपको कहा, फिर से मैं कहूँ, अभी आप अनुत्साह मत रखो किसी भी विषय के प्रति। आप इसके प्रति अनुत्साह रखेंगे तो आपके प्रति नेचुरली प्रेम घटेगा हमारा। आप जितना जितना धर्म के सन्मुख बढ़ोगे उतना उतना हमें आपकी कदर होगी, आदर होगा। आपको थोड़ा संकट आएगा हम दौड़ पड़ेंगे, या हमारे बच्चे जानकर, फिर ये ना कहना कोई ध्यान नहीं देता, क्यों आप जिनवानी से दूर रहेंगे हमारा आपके प्रति राग नहीं रहेगा, क्योंकि सीधी हमारी आपकी बाध्यता नहीं है कुछ। वी आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विथ यू, वी आर डायरेक्टली रिलेटेड विथ जिनवानी, और आप वहां से रिलेट होते हो तो फिर अपना कुछ हो सकता है। आप समझ रहे हो ना, मैंने कल रात में भी बहुत अच्छे से कहा था आपको, चेरिशिंग अप्रोच आपका जीवन भर बरकरार रखना है हमको, ठीक है? नहीं तो अति परिचयत अवज्ञा ये यहां पर भी लागू होगा। फिर रोजाना देव दर्शन करते हैं अभी कोई मजा नहीं आ रहा है, रोजाना जिनवानी सुनते हैं अब मजा नहीं आ रहा है, और जिस दिन ऐसा होगा फिर दैट विल बी द, फिर क्या है, फिर ये परिपाटी कुल परंपरा अपेक्षा व्यवहारवासी का प्रकरण चल रहा है और क्या चल रहा है फिर, ठीक है? अब बोलो भैया कितने जनों को लग रहा है कि मुझे रिपीट करना है, नहीं तो फिर समझ में आया होगा तो फिर मैं पूछूंगा। बोलो आप क्या विशेषता इस पढ़ने में, अरे ये तो कल की बात हुई, अभी मैं एक पंक्ति और आगे बढ़ाऊ तभी तो मैं पूछ रहा हूं नवीनता क्या आ रही है, और मैंने प्रारंभ में एक बात कही मेरी तरफ से, सिद्धों को इसमें नहीं लिया, उसके लिए मैं कह रहा हूं 10 प्राण रूप पर्याय का प्रत्येक समय में व्यय होना, और 10 प्राण सिद्धों को ही नहीं है, आप पकड़ रहे मेरी बात को, बाकी 14वें गुणस्थान तक कुछ ना कुछ प्राण कहे हैं, कुछ नहीं सही बोलिए आयु प्राण तो कहना ही पड़ेगा। अरहंत अवस्था में कुछ नहीं सही 13वें गुणस्थान में 4 प्राण तो कहने ही पड़ेंगे, 10 प्राण तो उसके पहले लागू होंगे ही। अगेन बैठिए, फिर से इस मरणांत समय में आगे आयु श्वासोच्छ्वास आदिक 10 प्राणों का जो समय समय पर वियोग होता है, समझ रहे? तो आयु का खत्म होना उसको आप अंत मानते हो ना पड़ेगा, तो आयु तो प्रत्येक समय में तो खत्म हो ही रही है ना, कह रहे ये 10 प्राण की तरफ से लेना इसलिए सिद्धों में लागू नहीं होगा। मैंने आपको पहले कभी कहा होगा धवल ग्रंथ में सिद्धों को अजीव कहा है, अजीव, और अपेक्षा क्या दी देते समय, कह रहे जो 10 प्राणों से जीता है सो जीव, तो वे कोई प्राणों से थोड़ी जीते हैं, तो वे व्यवहार जीव की परिभाषा कर रहे हैं वहां पर, यह हमको समझना चाहिए हर जगह। अगेन आयु श्वासोच्छ्वास आदि 10 प्राणों का जो समय समय पर वियोग होता है उसे नित्य मरण, और ग्रहित पर्याय अथवा जन्म के नाश होने को तद्भव मरण अथवा मरणांत कहते हैं। एक बहुत जिसका लोक में व्यवहार चलता है असमान जाति द्रव्य पर्याय रूप, ये परिभाषित किया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, इस मरणांत समय में संलेखना का चिंतन इस प्रकार करना चाहिए कि
इस दृष्टि से भी थोड़ा सुनना है इस प्रकरण को, किस दृष्टि से सुनना है सक्षम, किस दृष्टि से विचार करना है इसमें, कि नवीनता क्या आ रही है, विलक्षणता क्या है पूर्व टीका में, ऐसा ऐसा विचार करना है थोड़ा। अब समझ रहे हैं? इस मरणान समय में संलेखना का चिंतन इस प्रकार करना चाहिए कि इस मनुष्य देह रूपी देश में, देह को काय की उपमा दे रहे, देश में अणुव्रत रूपी व्यापार करके, धर्म को धन कह रहे ना, तो धन काय से पैदा हुआ, बहुत मजबूत है यह प्रकरण। अब आपके पास है नहीं ना, तो ज्यादा मैं नहीं ले सकता इसको। क्या धर्म रूपी धन बोला ना, तो ये कौन से व्यापार से खड़ा हुआ, यह जायज प्रश्न है। व्रत रूपी व्यापार से खड़ा हुआ यह धन है, व्यापार के बिना धन थोड़ी होता है। हमने निरंतर ऐसा ही व्यवसाय किया है, शुद्धात्मा देखना और दिखाने का। लेकिन व्यापार किसको बता रहे, ये व्यापार किसको बताया, व्रतों को बताया। फिर अभी वो भ्रम नहीं पालना नया, कौन सा भ्रम नहीं पालना, व्रतों को तो सातवें अध्याय में आश्रव तत्व कहा है। यहां पर व्रत के अंतर्गत क्या लेंगे, व्रत दो नहीं, व्रत का निरूपण दो प्रकार से होता है, वो वाली शैली को बराबर पुटअप करना, जहां पर जो योग्य है वो डालते चलो। अगेन, इस मरणान समय में संलेखना का चिंतन इस प्रकार करना चाहिए कि इस मनुष्य देह रूपी देश में अणुव्रत रूपी व्यापार करके जो धर्म रूपी धन कमाया है, उसे परलोक रूपी देशांतर में ले जाने के लिए संलेखना ही एकमात्र आधार है। मैंने कहा ना, हमारे घर में है तब तक भी हमें चिंता नहीं, उस घर में पहुंच जाएंगे तब भी चिंता नहीं, धन तकलीफ कहां तक है, इस घर में से लेकर निकला है उस घर तक जब तक नहीं पहुंचता कैश लेकर, तब तक टेंशन बनी रहती है। यहां पर है तब भी टेंशन नहीं, वहां पर है तब भी टेंशन नहीं, और काय से पैदा किया है यह धन, व्रत रूपी व्यापार से पैदा किया है। व्रत मतलब क्या समझना, पाप की क्षीणता, ए समझ में आता है व्रत की परिभाषा। व्रत मतलब शरीर की कोई क्रियाएं नहीं लाओ सामने, अभी वहां पर तो लिखा है, क्या लिखा है, हिंसा नृत्य ब्रह्म विरतिर व्रतम सूत्र है ना, व्रत, व्रत की परिभाषा क्या है, इस सातवें अध्याय के पहले सूत्र में बोलना जरा, हिंसा नृत स्तेय ब्रह्म परिग्रहभ्यो विरतिर व्रतम, हिंसा अधिकार, हाँ तो सही है ना, तो हिंसा का अर्थ फिर तुमने क्रिया में लगा लिया, यह सब जीव के विकार की तरफ संकेत करता है, और विकार का एक देश कृष होना यह अणुव्रत है, ठीक है, और इससे इस व्यापार से पैदा हुआ यह धन है रत्नत्र, ओके, आत्म शांति भी कह सकते हैं। उसे परलोक रूपी देशांतर में ले जाने के लिए संलेखना ही एकमात्र आधार है। खोला है उसको बहुत अच्छे से, खोला अगास वालों ने आगे, जैसे किसी देश में कमाए हुए धन की यदि कोई मनुष्य वहां से कुछ करके, करते समय कुछ समझते हो, कुछ कुछ आगे बढ़ना, ठीक है, लीड लेना, आगे बढ़ना, टू मार्च ऑन, दैट इज कॉल्ड कुछ, ये सैनिकों में प्राय प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी देश में कमाए हुए धन यदि कोई मनुष्य वहां से कुछ करते समय याद न करे और किसी दूसरे को सौंप जावे, तो उसका वह धन प्रायः व्यर्थ ही जाता है। कमाया कराए सब खेल खत्म हो गए ना। इसी प्रकार परलोक यात्रा में, यात्रा के समय में, ये यात्रा संज्ञा दी है उन्होंने, ये जीवन यात्रा है ना, भ्रमण चल रहा है ना जीव का निरंतर, यात्रा के समय में अर्थात मरणांत में संलेखना न की जावे और परिणाम भ्रष्ट हो जावे, अभी वो बात वैसे ही जोड़ रहे हैं, तो दुर्गति हो जाती है, इसलिए मरण समय में संलेखना अवश्य ही अंगीकार करना चाहिए। चलना है अभी आगे, दूसरे छंद की तरफ बढ़ना है, 176, इसमें बस वो खोला है, बात को खोला है, धर्म रूपी धन को। मूल छंद में धर्मस्वम ऐसा आया था, आपका ध्यान है थोड़ा सा, धन ऐसा नहीं आया ना कहीं, मूल छंद में तो नहीं था ना, वो खोल रहे इसको, धर्मस्वम, स्वम का अर्थ वैसे धन लिया है इन्होंने, ये पकड़ रहे सब मेरी बात को। मैंने कल धन की एक परिभाषा बताई थी, बोलिए, जिससे धन्य होता है उसे धन कहते हैं,
ठीक है। देखो अब समझो बात को थोड़ा सा। निधन वर्ड कितने जनों ने सुना है? निधन, निधन मतलब क्या होता है? ए बोलो मत ना कोई। अरे निर्धन मतलब तुम कुछ नहीं जानते क्या हिंदी? निर्धन मतलब क्या? निधन मतलब क्या? मरना। वेरी नाइस। अखबार में छपा रहता है दुखद निधन, उसको निधन क्यों कहते हैं आप जानते हैं? सब निकल गया है धन जिसका, प्राण रूपी पखेरू जिनके उड़ गए हैं। आनंद करना चाहिए शब्द को देखकर भी। धन किसको कहा जा रहा है? वो इसको धन थोड़ी कह रहे हैं बाहर की पूंजी को, ये तो प्राण को धन कहा जा रहा है। और यहां पर और उच्च बात क्या कहनी है? परमार से तो ऐसा तो कोई निधन होता नहीं है। धन चेतन रूपी प्राण तो कभी छूटते नहीं है। तो चेतन का भान रत्नत्रय को यहां पर धन कहा जा रहा है। धन का ज्ञान होना वो धनीपना है। ए पकड़ रहे क्या? वायर सो पेल। अच्छे से बैठो उदित, बोलो प्रद्युम्न में। और कौन है घर पर? और एक घर पर घर के आदमी का नाम बोलो ना। और एक प्रद्युम्न का भाई का नाम, एक आध कृष्ण के लड़के का नाम बोलो। घर पर बैठा है शंभू कुमार ले रहे हो, शंभू कुमार ले लो। दोनों में क्या अंतर है शंभू कुमार और प्रद्युम्न में? बोलो जल्दी बोलो, कोई बताएगा प्रॉपरली? नहीं समझ रहे? प्रश्न तो समझ रहे? शंभू कुमार और प्रद्युम्न में क्या अंतर है? दोनों 50-50% के हकदार है प्रॉपर्टी के, डेढ़ डेढ़ खंड दोनों को मिलेगा। मिलना मिलना तो अभी वैसी बात नहीं चल रही है मेरी, कोई मिलता तो क्या मिलता है ना? डेढ़ डेढ़ खंड के अधिपति है ना दोनों, दोनों के बराबर प्रॉपर्टी मिलेगी कि नहीं? लेकिन ऐसा होते हुए भी बोलो प्रद्युम्नों को भान नहीं है क्या कि वो ऐसा ऐसा भी हस्ती है वो स्वयं? और इसको भान है तो पूरी अकड़ से रहता है, और वो अकड़ से नहीं रह सकता वहां पर जंगल में। प्रद्युम्न फर्क पकड़ में आता है मुझे क्या कहना है? जल्दी बोलो अटवी वाले, जल्दी बोलो। धन होने से कुछ नहीं होता, धन होने के भान से होता है। अकड़ और ठसक आती का ऐसे है, धन से ठसक थोड़ी आती है क्या? धन के भान से ठसक आती है। ओके मैंने तो क्या घटित करके दिखाने का प्रयास किया? प्रद्युम्न किसके स्थान पर है बोलिए? प्रद्युम्न मिथ्या दृष्टि के स्थान पर है ना। प्रद्युम्न को मिथ्या दृष्टि नहीं कह रहा हूं मैं, प्रद्युम्न मिथ्या दृष्टि के स्थान पर है। धन उसके पास भी है, धन का भान नहीं है तो बराबर दुखी है ना वो। धर्म को धन की संज्ञा दी है, शब्द क्या पढ़ा है? धर्मस्वम, ऐसे शब्द पढ़ा है। मैंने तो निधन के माध्यम से बताया लोक में भी धन कहते किसको है। आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते हैं। जान बची तो लाखों पाए जो कहते हैं, वो किसकी तरफ संकेत करता है? सिर एक तो पगड़ी हजार, एक किसकी तरफ संकेत करता है? 176वां छंद चलेगा, देखते हैं क्या कहते हैं। वैसे कुछ नवीनता इस छंद में नहीं आई है, देखते हैं फिर भी। पढ़िए आप सब इसको। मरणान्ते वश्यमहं विना संलेखना करिष्यामि यदि भावना परिणतो नागतमपि वालेयं मरणान्ते मे निश्चित विधि पूर्वक करूं संलेखना पालना। बहुत अच्छे शब्द आए हैं, मुझे बहुत आनंद हो रहा है। और वो वर्ड ऐसा है, आपको कितना अपील किया है, अवश्यम। क्या चाहिए? मस्ट मस्ट। क्या अवश्यम? अहम मरणान्ते अवश्यम अहम विदिना संलेखनाम करिष्यामि, करिष्यामि करूंगा, मैं अवश्य ही करूंगा मरण के अंत में, डेफिनेटली करूंगा। देखते हैं क्या अड़ी बात आती है, देखते समझ में आता है। एक कॉन्फिडेंस होता है ना, कॉन्फिडेंस नहीं, ये तो किसी हालत में नहीं होगा। मैं इंजीनियरिंग पढ़ता था, मैं बहुत सज्जन नहीं था, मैं पीछे बैठ के, दुर्जन तो था ही नहीं, दुर्जन का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता है। बहुत कम पीरियड्स अटेंड करता था, और पीछे जब भी बैठता था, मैं खूब रीडिंग खूब किया मेरे लाइफ में,
नैतिकता का, नैतिकता का। तो मैं पीछे पुस्तक पढ़ रहा था गांधी जी वगैरह की, जो भी कुछ होगी। तो वैसे प्रोफेसर्स को ज्यादा मतलब नहीं रहता, जितना हम आपसे राग रखते हैं ना उतना कोई नहीं रखने वाला है आगे। आप आओ जाओ, मरो जियो, सप्तव्यसनी बनो, आंख उठा कर नहीं देखते अटेंडेंस के समय में। और एक एक जन दस दस प्रॉक्सी लगा ले लेता है निरंतर, वे अच्छे अध्यापक नहीं है, समझ में आता है? वे आपकी केयर थोड़ी कर रहे हैं, वे तो खाना पूर्ति कर रहे हैं। चलो मुझे तो क्या कहना है, मैं तो पढ़ रहा था। फिर कोई प्रोफेसर अनायास पीछे आए, उन्होंने देख लिया पढ़ते समय। और तो बहुत केसेस ऐसी होती है कॉलेजेस में, सब वाइवाज ओरल्स उनके हाथ में होती है, सालों चक्रों काटने पड़ सकती है वहां पर, कितना भी आप टॉप रहेंगे थ्योरी में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर कुछ हुआ, एक पीएमओ सब्जेक्ट था हमको, पीएमओ फाइनल ईयर में। तो फिर कुछ हुआ, फिर वो बहुत बोले मुझे, डांटे हुए, डांटेंगे ही वे तो, उनके सब्जेक्ट का नहीं पढ़ रहा हूं तो डांटेंगे ही वे तो। लेकिन डांटते डांटते फिर अंत में कहा उन्होंने, देख लेना तुम फेल हो जाओ। मेरे से नहीं रहा गया, मैंने कहा नहीं सर, मैं टॉप करके दिखाऊंगा, ये तो अवश्य करके दिखाऊंगा। मैं क्या कह रहा हूं, मैं अवश्य ही कुछ भी हो जाए। ये तुम रात दिन व्यापारों में उलझ रहे हैं, तुम कुछ सर लेखना तो मैं करके ही दिखाऊंगा, देखता हूं क्या तकलीफ, क्या अड़ा आता है समस्या। मैं जानकारी नहीं थी मुझे, मैंने पीओ में भी टॉप किया था पूरी यूनिवर्सिटी में, हमारी पूरी शिवाजी यूनिवर्सिटी जितने कॉलेजेस थे ना उसमें। और अनायास ये तो टॉप होने के बाद पता चला, कोई ऐसे ज्यादा जोर नहीं लगाया था मैंने। मैं क्यों कह रहा हूं ये, इस बात को नहीं भूलेंगे हम, इस ये तो करना ही है किसी हालत में। ये तो लोक में कषायवश डिसीजन लिया था, ये निष्कषायवश डिसीजन ले रहे। कषाय छोड़ने का कितना स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस है, कितना लूजली अटैच्ड है वो कहते ये हमको जुड़ा देखता है, एक सेकंड में छोड़ देंगे हम, फिर अवश्य ही संलेखना को प्राप्त होगा, करिष्यामि, करूंगा, ये तो होगा ही, ये तो बिल्कुल करूंगा मैं। ओके, देखो आप लॉजिकली सोचो थोड़ा संलेखना के प्रति। ये तो आप घर पर भी सब पढ़ लोगे। मैंने जिस दिन समाधि पर बैन लगा था, कुछ काम हुआ था याद आ रहा है आपको, मैंने दूसरे दिन यहां पर रात की सभा में पूरा संलेखना का व्यू लिया था थोड़ा, याद आता है? मैंने ये कहा था थोड़ा सा, आपको याद आता होगा, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, असहयोग आंदोलन है एक प्रकार का। गांधी जी आदि आदि मातब्बर पुरुषों में जिनकी गिनती होती है आज भी आदर्श पुरुषों में, एक उनकी एक पॉलिसी सर्वत्र रही, क्या हमारे अनुसार काम नहीं चलेगा, हमारे अनुसार मतलब अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रुथ एंड अहिंसा, हम मतलब अलग सा हम कुछ नहीं है ना, हम तो उसके फॉलोअर है, एक मूर्त रूप है अहिंसा और सत्यता का, और हमारे विनय करोगे तो हम तो सत्यता के विनय समझेंगे। इसलिए छोटा मोटा रूप, छोटा मोटा उसका विरोध नहीं होगा, उसका असाधारण विरोध होगा। व्यक्तिगत विरोध तो हम किसी भी स्तर पर झेल सकते हैं, तत्व की क्षति हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, समझ में आता है? कोई आए गुरुदेव की यहां वहां मूर्ति फेंकने लग जाए दे आदि, तो वो नहीं चलेगा, वो तत्व का विरोध कर रहा है, आप समझते हैं? व्यक्ति की बात नहीं है ना, रस्ते पर तो इसी स्टैचू को कोई कुछ भी करे तो कदाचित बर्दाश्त हो, ये तो धर्म का प्रमाइसेस से कोई भी यहां पर तहस नहस करने आया है तो तत्व का ही विरोध करने आया है, कोई मूर्ति तो है ही नहीं वो। अब पकड़ रहे मेरी बात को सब? मुझे तो क्या कहना है, ये सॉर्ट ऑफ नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट है। जब भी कोई संकट दिखा, गांधी जी का एक हथियार रहता था क्या, हम विदेशियों को खाद पानी नहीं डालेंगे, कोई सहयोग नहीं करेंगे, आउट, इनका कोई यूज नहीं करो। ए ज्ञानियों की रीति नीति समझ में आती है आपको? हम आपको वैसे हमारी तरफ से कोई हार्म नहीं पहुंचाएंगे, अब वेरी निश्चिंत हो जाओ इसमें, हमारी तरफ से बिल्कुल हार्म नहीं, लेकिन हार्म इतना ही होगा कि आपका जीवन जिसके आधार से खड़ा है वह हम आधारशिला हटा देंगे। अभी विदेशी कोई कपड़ा नहीं पहनेगा, विदेशी कोई सामग्री का प्रयोग नहीं करेगा, असहयोग आंदोलन छेड़ दिया उन्होंने। और फिर जीत तो हो ही गई, उसमें क्या है, अरे उनकी सास ही नाक ही बंद कर दी ना, अब वो काय के लिए रहेंगे यहां पर, भली मार करता रखी, बोलो, हो गई उनकी उपेक्षा, उनका बनाया हुआ सामान हमने नहीं लिया, हो गई उपेक्षा, भोजन करने वाले का हमने सामान नहीं लिया, हो गई ये उपेक्षा,
संलेखना में घटित करो फटाफट। हमने नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट खड़ी कर दी, किसके प्रति? शरीर के प्रति। तुम हमको ऐसा परेशान करोगे, दे छोड़ देंगे हम तुमको, कोई खाद पानी नहीं डालेंगे, और कोई मार काट रहा है हम बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, वो विल इग्नोर, ये जानकर के बिल्कुल पर है, मरो करो जो भी करना करो जाओ, अभी तुम साथ छोड़ रहे हो, हमें तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। अब पकड़ रहे हैं। मैं और भी एक बात कही थी, देखो एक साइकोलॉजिकल अपन विषय पर आओ थोड़ा सा, ये जानकर कि वास्तव में सुसाइड का अटेम्प्ट है, इस दृष्टि से थोड़ा सा विचार करो। अभी देखो, तो मैंने कहा था, देखो लोक में भी ऐसा होता है, बहुत होता है, जो बहुत बीमार होते हैं और सालों की बीमारी उनकी चल रही हो, उनको कहते हैं एक बहुत अच्छे डॉक्टर का पता चला है, तो सुनते ही कहते हैं बस बस कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। देखे होंगे अपने ऐसे जीर्ण रोगी, सालों के बीमार हो और 500 डॉक्टरों के यहां जाके आए हो, अच्छे अच्छे नामी और हर प्रकार के पैथी वाले, अब उनको कोई भी बताए तो उनका ऐसे लगता हमको करना ही नहीं, जाते जाते इतने थक गए हैं, बस नहीं करना। ओके, देखो जब लोक में ऐसा होता है, अब थोड़ा सा कंसेप्ट खड़ा करो, और सेकंडली डॉक्टर भी तो जब चाहे ये बोल ही देता है ना, क्या बोल देता है, आई एम सॉरी नाउ, मैं आगे कुछ नहीं कर सकता, वो भी अपने अपने वेपन से डाल देता है। ये दोनों बातें मैंने खड़ी कर दी सक्षम, कौन कौन सी, एक तो स्वयं भी उसको रुचि होने लगती है, कितना ट्रीट करेंगे ना, अनुत्साह हो गया ना, अभी नहीं हो रहा है ना, कितना तक उलझेंगे ना, राग खत्म हो गया वो करने का, एक पर्टिकुलर लिमिट है ट्रायल की, और फिर डॉक्टर भी हिम्मत हार जाता है, ऐसी भी लिमिट होती है। संलेखना भी ऐसी एक प्रक्रिया है, बोले सिद्धांत में कोई घटित करेगा, देह में हर कोई हर एक संभव प्रयास कर करके हमने देखा, वो नहीं खड़ा हो पा रहा है ना अभी, बस हमको कोई भाव नहीं हो रहा है अभी उत्पन्न, और फिर डॉक्टर भी कोई ठेका नहीं ले रहे ना कोई ठीक करने का, फिर वो भी कहीं ना कहीं हाथ ऊपर कर रहे, तो हम तो अभी हाथ ऊपर कर रहे राइट बिफोर, आप समझ रहे। तो संलेखना ये प्रक्रिया है, एकदम उपेक्षा शरीर की, उपेक्षा का मतलब अतिरिक्त राग नहीं करेंगे, उसके प्रति राग करते करते कुड़ कुड़ के नहीं मरेंगे, तुम्हारे हाथ में हमारी आत्म शांति नहीं है, बिल्कुल कदापि नहीं है, समझ में आता है, तुमने हमको क्या समझ रखा है, साहब हमने होंगे तो तुम्हारा कैसे चलेगा, तब तक की बात अलग थी, नौकर और नौकर मालिक का मैंने कहा था ना, नौकर और मालिक ऐसा है, देखो मालिक भी नौकर ही है, यह कोई भ्रम पालने की आवश्यकता नहीं है, क्या क्या क्यों, ये पैसे का गुलाम है और तू सेवा का गुलाम है, पकड़ में आता है, दोनों को दोनों की आवश्यकता है, आप समझते हैं मैं इतना सारा क्यों कह रहा हूं, तुम्हारी तरफ से गड़बड़ होगी, हमारी तरफ से गड़बड़ होगी, लिख लेना, और तुम पछताओगे, देख लेंगे क्या होता है, मैं क्यों कह रहा हूं, देह और जीव है और वो अगेंस्ट में कितना सहयोग मिल रहा है शरीर की तरफ से, अनुव्रत महाव्रत में परिपालन में कोई बाधा नहीं है, बहुत अच्छे से चल रहा है, हम रोजाना जाएंगे, आहार नहीं मिलेगा, डोंट वरी माय ब्रदर, डोंट वरी, मैं रोज निकलूंगा, महीनों तक मैं तुम्हारे लिए प्रयास करूंगा, तुम्हें पेट्रोल डालने के लिए कौन प्रयास करने वाले है, या आदि तीर्थंकर फर्स्ट, मैं स्वयं जाऊंगा, तू क्यों चिंता करता है, अरे जानते नहीं कुछ, मैं जाऊंगा तुम्हारे लिए, मुझे तो इतना करना ही है, लेकिन थोड़ी भी गड़बड़ करी, जलते रहना मरते रहना, मैं बिल्कुल आंख उठाकर देखने वाला नहीं हूं तुम्हारी तरफ, अपनी बाइंडिंग है ना वहां पर, अरे अपने बच्चों को कहते आप, तुम शील के मर्यादा पालोगे, सब कुछ पालोगे, तब तक हम तुम्हारे पिता है, और तुम जो ये बात नहीं होगी, हम तुम्हारे कोई पति नहीं, हम कोई नौकर नहीं है फालतू की हाजी हाजी करने के लिए, आज अकेले होते एकदम मोक्ष में होते हम, ये राग में मोफत में नहीं झुलस रहे हैं, पाप की गठरी मोफत में नहीं बांध रहे हैं, उसके बदले भूमि का योग्य कुछ ना कुछ अपेक्षा करेंगे, क्या मोफत में नौकरी करेंगे, ए पकड़ रहे, ज्ञायक रहना, ज्ञायक रहना तो फिर बाहर रहते हम, संलेखना समझ में आती है, देह के प्रति कोई भी क्या कहना चाहिए, देह के प्रति का कोई भी ऐसा स्टैंड जो जीव को अपने आश्रित बनाने को प्रयास करे, वो जीव बर्दाश्त नहीं कर सकता इसको, आप समझते हैं, रत्नत्रय की पूर्ति करते रहो, तुम सहयोगी बनते रहो तो बात होगी, ये संलेखना का कंसेप्ट है। देखिए यहां पर आइए 176 पेज, ये 176 का छंद का मैं अन्वयार्थ से पढ़ता हूं, मैं मरण के समय अवश्य शास्त्रोक्त विधि से, ये जानने लायक वर्ड है इसका, विधिना
एक विधिना को हटाओ तो पूरा मनमानी का राज्य है। विधिना केवली सुध केवली भनिदम, प्रॉपर प्रक्रिया से होगा, विधि से होगा, प्रॉपर प्रोसीजर है, जैसे तैसे नहीं। ये कहकर ये भी भलीभांति समझना चाहिए, विधिना इतना मीठा शब्द है, समस्त विरोधकों को प्रहार करने में समर्थ है, उसका अभाव करने में, निराकरण में। क्यों? विधिना एक प्रॉपर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव देखकर, भावुकता में कषायवश लिया गया निर्णय नहीं है। ठंडे दिमाग से अकेले कमरे में विदाउट एनी बॉदरेशन और कोई लोभ आदि प्रलोभन के बिना यह लिया गया एक फर्म डिसीजन है। समझ में आता है आप सबको? भावुकता और कषायवश, वैसे भावुकता भी कषाय ही है ना, एक कौन से शब्द की तरफ संकेत है? विधिना। और विधिना का अर्थ क्या किया? शास्त्रोक्त विधि से मैं संलेखना करूंगा, भावुकता से और कषाय से नहीं करूंगा, मैं मरण के समय अवश्य शास्त्रोक्त विधि से समाधि मरण करूंगा। इस प्रकार भावना रूप परिणति करके मरण काल आने से पहले ही यह संलेखना व्रत पालना अर्थात अंगीकार करना चाहिए। इस प्रकार भावना रूप परिणति करके, एक क्या शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? भावना रूप परिणति करके। ऊपर देखो, भावना परिणत अनागतम अपि, जो आया नहीं है उसको अनागत कहते हैं और जो चल चुका है उसको अतीत कहते हैं। ये जानते हैं ना, अब आया नहीं है फिर भी मैं भावना बहाता हूं, भावना समझते हैं ना, ऑलवेज उसकी घुटाई। मैंने आपको बताया है होम्योपैथी जगत में, आयुर्वेद जगत में, वैद्यक शास्त्रों में भावना ये वर्ड बहुत प्रसिद्ध है। उसको क्या कहते बोलो? पुट चढ़ाना। और ऐसा साइंस है ये, कह रहे होम्योपैथी है ना, मैं भक्षाभक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, साइंस बता रहा हूं आपको, फिर वो नया सब्जेक्ट है वो, इतना है आप कितनी भी थोड़ी मात्रा लो उसकी, डजंट मैटर, उसको जितनी घुटाई होगी उसमें पूरी सेंस उसका बढ़ता जाता है दवाई का, ऐसा है, लॉजिक है ये। अब बादाम चंदन कुछ भी है आपको, मैं कहा है मैंने आपको, चेहरे पर वैसे लगाओगे ऐसे थोड़ी ना गोरे फोरे होंगे आप, कंपनी के पाउडर ला लाकर फिर उसको घिसो घिसो। इसलिए बादाम को खाना है तो कहते हैं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, उसको पहले घिसो घिसो और फिर उसको खाना, फिर सब वो तो मुंह में होने ही वाला है, सब होने ही वाला है, वही होने वाला है। नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो पुट चढ़ाओ, 25 बादाम का एक बादाम में ताकत चाहिए तो उसी को वो घिसते रहो उसको। ओ ये बहुत मेहनत का काम है। मैं क्यों कह रहा हूं ये? भावना उसको निरंतर घुटाई से बोलो, क्या होता है? ताकत की वृद्धि होती है। ये मेडिकल में भी ऐसा ही है, साइंस में हर जगह ऐसा है, उसको भावना ऐसा ही वर्ड है उनके यहां। आगे बोल, आगे। मैंने आपको कई बार कहा है ये कुछ वर्ड्स है ना, आपने टर्मिनोलॉजी है जैन टर्मिनोलॉजी, थोड़ा लोक में वाइड दृष्टि रखकर हम विचार करते, आयुर्वेद में और एक शब्द है कहने, इसका काढ़ा लेना है आपको, वे क्या कहते हैं इसको बोलो? सिद्धि करके लेना कहते हैं इसको, सिद्धि करके लेना। सिद्धि क्या होती होगी? सिद्धि ये चीज है, उसको दो ग्लास पानी डालना, इतना उबालना इतना उबालना इतना उबालना, उसका निचोड़ और फिर कहते 25% रहना चाहिए, हो गई सिद्धि। और अपनी सिद्धावस्था यही तो है, पूरा क्रीम एक्सट्रैक्ट करना और इंप्यूरिटी पूरी हट जाना, पूरा इसेंस पर्य में आना, ये सिद्धि है। एक लोक के जितने भी शब्द प्रयुक्त है ये पूरे अपने जैन दर्शन से मिलते जुलते हैं। चलना है आगे, चलो। देखो, इस प्रकार भावना रूप परिणति करके, अभी संलेखना तो नहीं कर सकते, संलेखना की भावना तो कर ही सकते हैं। समझ में आता है? लोग में होता है ना, बहुत कठिन है, नहीं हो रहा नहीं हो रहा, क्या करे बताओ, क्या करे क्या करे, करने का प्रयास करे और क्या करे। आप आए घंटे भर बाद, बहुत प्रयास के, याद ही नहीं हो रहा, याद ही नहीं हो रहा, क्या करे क्या करे, प्रयास करे याद करने को, और क्या करना है? अभी तक जो किया है और घाव देते चलो, जेट होता ना पानी, पानी खींचना है, जेट बोर समझते हो आप, फिर 10 फीट यहां, फिर 10 फीट यहां, 10 फीट यहां, क्या करना? गो थरोली इनसाइड, कब तक? वो फव्वारा आएगा, तुम तो तुम्हारा काम करते चलो, और फिर बार बार पूछना नहीं बीच बीच में, वो वैल्यू डाउन होती है, फिर नई ताकत लगानी पड़ेगी तुमको। क्यों कह रहा हूं मैं इतना सारा? बोलो,
संलेखना नहीं हो पा रही है, क्या करे? संलेखना की भावना भाव, इसलिए जीवन भर संलेखना की भावना होती है और अंत में होती है संलेखना, इस भावना के फल स्वरूप। आगे, मरण काल आने से पहले ही यह संलेखना व्रत अनागतम अपि, अनागतम अपि आया हुआ होने पर भी, क्या यह मरण काल आने से पहले ही यह संलेखना व्रत पालना अर्थात अंगीकार करना चाहिए। ठीक, ये लाइफ लॉन्ग होता है संलेखना व्रत, इस बात की इन्होंने भली भांति सिद्धि कर दी है, क्योंकि मरण के काल में ही संलेखना होती है ऐसा नहीं होता है, उसकी तैयारी भी संलेखना के दायरे में डाल दी उन्होंने। ठीक, आगे बढ़ते, टीका, मैं मरण समय अवश्य ही विधिपूर्वक समाधि मरण करूंगा। विधिपूर्वक का क्या अर्थ खोला है यहां पर अपन देखते हैं, फिर अपन विचार करेंगे क्या और खुल सकता है। मैं मरण समय अवश्य ही विधिपूर्वक समाधि मरण करूंगा, ऐसी भावना सहित श्रावक जो प्राप्त नहीं हुआ है ऐसे शील को प्राप्त कर लेता है। अगेन, ऐसी भावना सहित श्रावक जो प्राप्त नहीं हुआ है ऐसे शील को प्राप्त कर लेता है। शील मतलब स्वभाव, क्या अर्थ लेना भैया अभी इसका बताओ मुझे। ऐसी भावना वाला जीव, कैसी भावना वाला जीव, मैं अवश्य ही विधि पूर्वक समाधि मरण करूंगा, ऐसी भावना वाला जीव सबसे पहले क्या करे, शील को अंगीकार करे, स्वभाव को अंगीकार करे, स्वभाव मतलब स्वसन्मुख दृष्टि करे, रत्नत्रय को अंगीकार करे, ये बात यहां पर आएगी। ओके, जो प्राप्त नहीं हुआ है ऐसे शील को प्राप्त कर लेता है। पहले मैंने पूरी चर्चा कर ली इस बात को लेकर की थी, याद आ रहा है आपको, कौन सा टाइटल के अंतर्गत की थी, मैंने कहा था यदि कोई पापी जीव होगा तो वो क्या करे, हमारे पास तो धनी नहीं है आगे लेके जाने की, क्या बात करते हैं आप। तो मैंने कहा था सबसे पहले प्रकट करे ना फिर धन, और धन प्रकट करके फिर उसको आगे लेके जाने का सोचे। तो यहां पर आज बात आ गई, कौन सी, सबसे पहले क्या करे, वो शील को प्रकट करे, और शील को ब्रैकेट में अर्थ डाला है स्वभाव, मतलब रत्नत्रय को प्रकट करे सबसे पहले। तो आगे, संलेखना कहो या संन्यास कहो, उसका धारण तो मरणांत में होगा, यह भी इनको भली भांति स्वीकृत है। संलेखना हो या संन्यास हो, संन्यास शब्द भी कैसे बना आप जानते ही होंगे ना, संन्यास सम्यक रूप से रखना, अपने उपयोग को अपने आत्मा में ही रखना, उपयोग को बोलो अधिक नहीं भ्रमाते, याद आ रहा है ना, इसको संन्यास कहेंगे। भली भांति रूप से, भली भांति स्थान पर उसको विराजमान कर दिया, अपने उपयोग को डाइवर्ट होते हुए उपयोग को कॉन्सेंट्रेट किया एक विषय पर। संलेखना कहो या संन्यास कहो, उसका धारण तो मरणांत में होगा, अर्थात समय समय इस जीव की आयु घटने की अपेक्षा प्रति समय मरण हो रहा है और उसके अंत में संन्यास धारण किया जाएगा। ये मरण की चर्चा भी कितनी सुखद है, आप समझ रहे हैं सब, लोक में तो इसको कितनी अभद्रता का सूचक मानते हैं, मरण की बात नहीं करना यहां पर। पूछ उठा वो बालक, बोलो, पूछ उठा बालक, बोलो मुक्ति। एक बालक 6 साल का, जिनसेन गाता है ना जानते, बालक जब क्या पूछ उठा मां को, मां ये क्यों रो रहे सब यहां पर, सुबह तो यहां पर बहुत चमक धमक थी, ये क्या हो गया, माहौल का पलटन कैसे हो गया। किस मुंह से बोले, तुम्हारा छोटा भाई था ना जो जन्मा था, इज नो मोर नाउ, मरा मतलब क्या मम्मी, बेटा जो एक दिन आता है उसको जाना पड़ेगा, तो क्या मैं भी उसमें शामिल, ऐसा नहीं बोलना, कोई बर्दाश्त नहीं करता इसको, समझ में आता है, हम जाने हम कैसी विचारधारा के लोग हैं, बोलो। सबसे पहले धारण करना मतलब यदि उसमें गाफिल हो तो उस बात को पहले समझे, क्योंकि क्या है मूल में चरणानुयोग की शैली में यह भी चलता है सब, क्या चलता है, सबसे पहले डायरेक्ट महाव्रत लेता हो तो भी चलेगा, आत्मा को प्राप्त नहीं हुआ हो तो, हाँ चरणानुयोग ऐसा उपदेश देता है। कुछ दिमाग में आ रहा है आपके, तो डरमल जी को याद करके फटाफट बोलो, आयुष बोलो, जल्दी बोलो, कुछ बोलो, जो मैं कह रहा हूं उसको पुष्ट करो,
आठवें अध्याय में टोडरमल जी ने चरणानुयोग का प्रकरण लिखते समय दो भेद किए उसके, एक निश्चय सहित व्यवहार और एक मात्र व्यवहार, याद आ रहा है? जो जो थोड़ा समझदार है उसको निश्चय सहित व्यवहार बताना, बताएगा तो व्यवहार ही चरणानुयोग, लेकिन व्यवहार सहित निश्चय नहीं बोल रहा हूं मैं निश्चय सहित, क्योंकि विषय तो व्यवहार ही बताएगा चरणानुयोग। और एक प्रकरण डाला टोडरमल जी ने कहते हुए, जो बिल्कुल ही नहीं समझता हो आत्म प्राप्ति का कुछ भी, ठीक है बाबा तू पानी छानता रहे, ठीक है बाबा फिर आगे आगे बढ़ता रहे, फिर वो आएगा थककर जिस दिन हमारे सामने और ये कहेगा कब तक करे अब होता नहीं, तो भली भांति ये उपदेश उसको कार्यकारी हो जाएगा। कौन सा? लेकिन आज बिल्कुल नहीं बताओ उसको, तो कुछ ही नहीं समझता हो। आत्मानुशासन में भी ऐसा लिया कि अनुव्रत, ये अनुव्रत दुखदायी भाषित होने पर भी उसको अंगीकार करना। बोलो क्या बोले आगे उदाहरण, जिस प्रकार कोई कड़वी दवा दुखदायी जान दुखदायी मालूम होते हुए भी जबरदस्ती से भी कोई ले तो उठाएगा तो लाभ ही, याद आता है? उसी प्रकार इन व्रतों को कोई दुखदायी जानकर भी अंगीकार करता है उठाएगा तो लाभ ही। तो अभी उसको कह रहे हैं फिर से अनुव्रत अभी अच्छे से पालन कर रहे हैं, उसको कहा जा रहा है मान के चलो जो स्वभाव से छिगा है कि पहले ये चीज चलेगी, पहले ये घड़ा रखा जाएगा। कौन सा? स्वभाव का। प्रश्न क्या आया था? क्या स्वभाव के बिना, स्वभाव की प्राप्ति के बिना ही अनुव्रत चल रहा था क्या उसका? क्योंकि देखो ये थोड़े से मंतव्य समझो लेखक का। लेखक कौन? लेखक अमृत चंद्र देव। कोई उनके सामने आया, पहले महाव्रत दिया था उन्होंने, अब नहीं बना था अनुव्रत दे दिया था, लेकिन अनुव्रत का सच्चा रूप न जानकर, और है तो चरणानुयोग का ग्रंथ, तो क्रियाओं का उपदेश दिया है ऐसा कोई कहता हो तो भी अनुचित नहीं है। तो उसको अभी फिर सावधान करके क्या कहकर, जो पहला अधिकार हमने लिखा सम्यक दर्शन आदि, यदि वो प्राप्त न किया हो तो पहले फिर से इसकी तरफ ध्यान देना, स्वभाव की प्राप्ति के मूल है इसमें, ठीक है? ऐसे शील को प्राप्त कर लेता है, जो प्राप्त नहीं हुआ है ऐसे शील को प्राप्त कर लेता है, अथवा फिर से वो क्रियाओं के चक्कर में वो झलना हो जाए तत्व, ऐसे ज्ञानी जीव को भी फिर से शील की महिमा बता सकते हैं। दोनों बातें हैं, दोनों बातें हैं, जिसने प्रकट नहीं किया उसको और प्रकट करके भी बरकरार रहे उस विषय पर, इसके लिए भी बताया जाता है। आगे सल्लेख न कहो या संन्यास कहो, उसका धारण तो मरणांत में होगा, अर्थात समय 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 जीव की आयु घटने की अपेक्षा प्रति समय मरण हो रहा है और उसके अंत में संन्यास धारण किया जाएगा, परंतु पहले से ही ऐसी प्रतिज्ञा करना कि मैं मरण काल में संन्यास धारण करूंगा ही, ठीक है? मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं, वैसे वहां पर मैंने आजमाया एक केस, मैं बताऊं आपको, सुनना है क्या? वहां पर मैं ऐसी क्लास लगती थी रोज, मेरी एक ही क्लास लगती थी वैसे शाम को, बाद में दो भी चालू की थी मैंने, और एक कंबाइन ही चलता था वहां पर, कोई ऐसे सेटेड नहीं चलता था मेरा, मुझे वहां पर भी आनंद की कमी कभी नहीं रही। लेकिन मैं हमेशा बच्चों को एक बात कहता था कि देखो हम पर कभी भी दिक्कत आए, आप जैसे छठवें से दसवीं तक के बच्चे रहते थे, कोई संकट आए, कभी कोई चीज होए, हुआ क्या, एक दिन पहले रात में भयंकर थंडर एंड लाइटनिंग चला, बहुत सीवियर, कभी भूकंप आदि जैसी स्थितियां बनती है। तो मैंने बच्चों को दूसरे ही दिन ये बताया, ऐसे कभी भी अकस्मात कोई बात होती है, कभी हमको एकदम लगे ऐसा कि अभी कोई भरोसा नहीं है। शेठ सुदर्शन आदि आदि को मैंने सामने रख कर ये कहा, उन्होंने तो अपने जीवन में प्रतिज्ञा भाई थी कि यदि इस उपसर्ग का निवारण होता है तो मैं आजीवन संयम आराधन करूंगा, ठीक है, और विशेष बात हो तो मुनि दीक्षा अंगीकार करूंगा, लेने की बात हो तो ले लेना, नई भी बात हो तो विशेष संयम तो जीवन में अंगीकार करना। तो देखो अनायास कुछ ऐसा संकट हुआ, दो चार दिन में ही एक बच्चे को बिच्छू काटा, बहुत प्रैक्टिकल, और बच्चे इस मामले में बहुत ही अच्छे थे समझ लो, कि उनको हर एक को ध्यान में आया, क्या कहा, जब भी थोड़ी बहुत कोई संकट आए फटाफट बैठ जाना, रात के 3 बजे हो वहां पर फटाफट बैठ जाना, विचार करना उल्कापात की स्थिति, ये जो स्थितियां कही है ना ये प्राकृतिक, इसमें तो बहुत सावधान रहना चाहिए, वहां पर वैराग्य भावना तो भाई सकते हैं,
और बहुत संकट आए तो आगे की भी बात, इसमें से मैं यदि बच जाऊं तो विशेष संयम मैं अपना जीवन जीऊंगा। विशेष संयम कोई मुनि अपेक्षा बात नहीं है। तो फिर बोलेंगे मुनि होना पड़ेगा क्या अभी? ऐसा नहीं, अभी जीवन का थोड़ा सा दिशा बदल जाएगी, लौकिकता का नजरिया अभी थोड़ा घटता जाएगा, समझ में आता? अपने लिए जिएगा, दुनिया के लिए नहीं जिएगा। दुनिया की दृष्टि में हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को विचार नहीं करेगा अभी, हमारी दृष्टि में हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अधिक विचार बल देगा वो, ठीक है? तो फिर बिच्छू काटा उसको, तो फिर सब बुलाने आ गए। बिच्छू उतना वैसे था तो वैसे जहरीला, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं था कि वो मर जाए। तो फिर अयन नाम था उस बच्चे का, आज भी याद आता है मुझे। तो जैसे ही मैं गया वहां पर, तो फिर बुलाने आए, चलो चलो मैं भोजनशाला में, मैं भी गया दौड़ते, तो बोले बिच्छू काटा है। तो जोर जोर से फिर बार बार वो ये कहता था, नमोकार मंत्र बोलता था और ये कहता था मुझे मुझे संयम संयम बार बार। कितना छठवीं का लड़का था, न्यू एडमिशन था वो। तो बाद में वो तो ठीक हुआ, वो ऐसे वैसे कोई तो गया नहीं वो। तो बाद में मैंने उसको समझाया, मैंने कहा अभी इससे ईमानदार रहना, इसके साथ सौदेबाजी नहीं करना चाहिए। ये संकट टले तो भगवान पूरा जीवन आपके चरणों में लगा देंगे, ऐसा तुमने बोला ना अभी, तो संकट नहीं टला तो तब तो फिर हमारा कोई बात नहीं रही ना, फिर भी सौदा होगा, सौदा तो तब भी होगा। यू शुड रिमेन, है ना, रघुकुल सदा चली आई। और उन्होंने उनकी तरफ से कब वचन दिया है तुमको? ये तो तुम तुम्हारी तरफ से उनको ही बुलवा रहा है ना। तो तुम तो टिके रहो ना, वहां पर डटे रहो ना, तू तो चेतन है, समझदार है। मैंने उसको समझाया, मात्र कहने के लिए भी नहीं है, सब बच्चों को भी कहा है, हमारे जीवन में अवश्य ही कुछ चेंज आना चाहिए, दुनिया को दिखे ऐसा और हमको भी समझ में आए ऐसा। फालतू बात नहीं होती यहां पर कुछ, फिर आइन टाइम में ले लेना, फिर जैसा चाहे कराना, धोखाधड़ी नहीं चलती यहां पर। और धोखाधड़ी किसके साथ करते हो? मैं हमेशा इसलिए कहता हूं, पहले तो आदमी स्वयं अपनी नजर से गिर जाता है, फिर दूसरों की नजर से गिर जाता है। हमेशा एग्जाम्पल देता हूं, सक्षम कुछ चुराता हुआ दिखा, हालांकि मैंने नहीं देखा तो कुछ चोर रहा है, चोरी कर रहा है। मैंने कहा सक्षम जरा यहां आना, मैंने तो बोला मेरे काम से, तू एकदम क्यों डर गया? ऐसे क्यों हो गया? और तू क्यों मेरी तरफ नहीं देख रहा है? तुम्हें डेयरिंग क्यों नहीं हो रही मुझे कन्फ्रंट करने की? अब समझ रहे, क्योंकि तुम्हारी ही वो प्रवृत्तियां तुमको एकदम हीन दिखा रहे। ये तुमने क्या किया, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। हम तुमको कहे ऐसी तो कोई नौबत ही नहीं आई अभी। तुम पहले अपनी नजर से गिरे जो मेरी आंख में आपने आंख नहीं मिला पाए, और फिर दुनिया की नजर में से गिरे ना गिरे, और फिर सब गिरे ही वाले हो, उनकी दृष्टि में तो कोई गिरना विरना तो होता ही नहीं। क्या बोला मैंने, कुछ पकड़ में आ रहा है आपको? क्या बोला मैंने, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो जिनके बीच में उठता बैठता है वो सब तुम्हारे ही शरीके है, वो तो तुमको ऐसे मक्खन लगाते आगे पीछे स्वार्थ सिद्धि के लिए। कुछ बेवकूफ अपने को बेवकूफ ना कहे, इसकी इतनी चिंता क्यों करता है? कुछ समझ में आता है? किसका टोला है जिसका गुडविल रखने के लिए तू इतना स्ट्रगल कर रहा है? समझ में आता है? दोस्ती या तो ऊपर वालों से होती या सेम क्लास वालों से, हल्कों वालों से कहा उनकी रिमार्क से और उनके सर्टिफिकेशन से अपने को कोई बात होगी, ठीक है संकेत? देखो ए अरहंत, क्या बात है, रात में बहुत जगे हो क्या? फिर अभी जगने का इरादा है क्या? वो नहीं है तो आगे कहा होगा और क्या होगा? कब है एग्जाम? कल है। देखिए प्रतिज्ञा करना की, परंतु पहले से ही ऐसी प्रतिज्ञा करना, ऐसी प्रतिज्ञा करना कहते हैं कि मैं मरण काल में संन्यास धारण करूंगा ही। एवकार एवकार, मैं इसलिए कहा अवश्य, ये शब्द बहुत प्यारा है, ये प्रतिज्ञा कर लेना। और बोलो, टोडरमल जी को याद करो प्रतिज्ञा के प्रकरण में, बोलिए कुछ बोलो, टोडरमल जी को याद करो। जैन दर्शन में प्रतिज्ञा न करने का तो दंड नहीं है कुछ, लेकिन प्रतिज्ञा पालो और उसका निर्वाण ना हो। चांडल आदि ने कहा व्रत अंगीकार के दया, चांडल का नाम नहीं लेना, उसने जितनी भी प्रतिज्ञा की थी मरण की कीमत पर भी नहीं छोड़ा था। याद आ रहा है यह भी प्रकरण टोडरमल जी का? चांडल को खड़ा किया था उसने बीच में, देखो कैसा उतर गए स्तर स्तर। क्या कंपेयर किसके साथ कर रहा है? चांडल भी तो कह रहे चांडल का नाम नहीं लेना। चांडल प्रतिज्ञा जब लेता है तो इस स्तर की लेता है कि मरण की कीमत पर भी। इसलिए मैं कहता हूं, कहा है पुरुरावा भी आज अपने बीच में,
कव्य का मांस छड़ा था, और फिर भी देवगति मिल सकती है, हम तो कभी नहीं खाते। मैं कहता हूं पुरु रवा बनना बहुत कठिन है। क्यों? वो मरने की कीमत पर था बेटा। क्या बोला? अभी तुमको देख लेंगे हम, इस तरफ मरण और इस तरफ ये है, चूज वन ऑफ दीज, बस तुम्हें तुम्हारा परीक्षा हो जाएगी। अभी तो तुम कहां पुरु रवा से तुलना कर रहा है, और फिर पुरु रवा ऐसा थोड़ी मरा है कव्य के मांस के त्याग, कैसे मरा है मालूम? समस्त आहार पानी का त्याग करके गए हो, वो तो प्रारंभिक रूप था उसका, कव्य के मांस का त्याग और मरण की कीमत पर भी। देखो हम जीवन भर आठ मूलगुण पालते हैं, ये अब भ्रम में ना रहे कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा हो गए, बहुत बड़ा भ्रम है। क्यों? ये तो संकट के काल में परीक्षण होता है ना उसका। अभी तुम पर संकट क्या है? अभी तो उम्र तुम्हारी ऐसी ही है, साधारण संकट ही नहीं है। मरण की कीमत पर भी उसका निर्वाह होता है, और किसी भी एक चीज का भी निर्वाह करता हो उसके लिए उसकी पीठ थपथपाई है वो। और तुम लोगों में से है क्या कोई ऐसा? हाथ ऊपर ऊपर नहीं करवा रहा हूं किसी से, एक बात है, चर्चा है कि इतनी सी चीज है और मरण की कीमत पर भी ये नहीं होगी। फिर कोई भी प्रतिकूलता है कंफर्म लॉक किया जाए, कुछ भी समस्या है लॉक किया जाए, सब कुछ बिछुड़ जाएगा लॉक किया जाए, और बेधड़क बोले बिल्कुल पूछने नहीं आना क्या क्या होगा उसके सरकमस्टेंस, क्या क्या उसकी क्या आउटकम क्या क्या होगा उसका, पूछने नहीं आना इसके बाद, जो होगा सो होगा, इसमें समझौता नहीं होगा। ऐसा जो होगा ये तो आवाज दमदार है मेरी, ऐसी दमदार अंतरंग ध्वनि चाहिए। क्या है, आत्मा की भाषा नहीं होती ना कुछ, तो पुद्गल की भाषा से उसको कुछ थोड़ा पुटअप करने का प्रयास होता है। चलो ठीक है, कहां तक आए? परंतु पहले से ही ऐसी प्रतिज्ञा करना कि मैं मरण काल में संन्यास धारण करूंगा ही। अभी जीवन जीते समय वो कितना लगाव करेगा, छोड़ के ही जाना है। मैं इसलिए हमेशा कहता हूं हर एक डॉलर पर अंग्रेजों ने लिख लिया है, अमेरिकन ने, इन गॉड वी बिलीव। हर एक नोट पर लिखने की, डॉलर पर लिखने की आवश्यकता क्या पड़ी कि यह हमको इतना हावी ना हो जाए हमारे ऊपर कभी, यह डॉलर भगवान हमको सर्वोपरि है, ये सबको ज्ञान में आना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? हमको भी एक एक चीज में प्रवृत्ति करते हैं, हमको भी ख्याल में आना चाहिए। मैं इतना इसमें इतना लगाव नहीं रखूंगा कि झट से मैं और झट से मतलब संलेखना क्या ऐसी थोड़ी स्थिति है कि अभी तो 40 साल है फिर देख लेंगे, अभी खड़ा हो सकता है प्रसंग, अभी भी हो सकता है, बाहर निकलते समय हो सकता है, अब बाहर निकलने की आवश्यकता भी नहीं पड़े, अभी हो सकता है क्या तैयारी किसी की? ऐसी तैयारी वाला ये प्रतिज्ञाबद्ध जीव होता है। संलेखना तो एकाध बार होगी, उसकी भावना प्रतिफल होगी, ठीक है। और अज्ञानी के जीवन में संकट एकाध बार आएगा, संकट का शल्य प्रतिपल उसको तड़पाता परेशान करता रहता है, वो प्रसंग जीवन में आए भी ना, प्रतिकूलता संकट मरण भय नहीं है क्या अज्ञानी को? और कहो तो नींद में ही मर गए, उसको आहट भी नहीं लगी उसकी। प्रतिज्ञा की अपेक्षा यह शील पहले से ही पालन करने में आ जाता है। भावार्थ श्रावक को इस बात का विचार अगेन बोलो, श्रावक को इस बात का विचार सदैव करना चाहिए। यह माला जपने जैसी बात है, माला जपना चालू नहीं करना, बोलो बिना सुमरई सुमरेंगे, बिना स्मरण किए हुए का स्मरण है ये, बिना जाप का ये जाप है। लोक में ये जाप ये स्मरण नहीं दिखाई दे सकता, ये प्रतिपल मरण क्या है पर क्या कि अविनश्वर मणिया क्या है वो समसम की। अब यहां पर समसम की मतलब, समसम की मतलब अरे संलेखना की अविनश्वर घड़िया मणिया, प्रत्येक समय में दिन रात यही चलता है उनका, निरंतर जाप करते हैं महाराज, जाप करते हैं दिन रात करते हैं, काय की सम 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 समता आने वाली परे वो मणि है उनका। जाप मालो माला को परे का उदाहरण दिया ही जाता है, उसमें क्या बड़ी बात है, समता निरंतर ये जाप उनका चलता रहता है। अपने मरण समय अवश्य संलेखना धारण करूंगा, कारण कि मरण समय प्राय मनुष्यों के परिणाम बहुत दुखी हो जाते हैं। मैंने कल कहा था, कल परसों मरण की परिभाषा समस्त प्रतिकूलताओं का एक साथ हमला बोल देना, याद आ रहा है आपको?
ये तो परिभाषा दूसरी है, चेंज ऑफ ड्रेस एंड एड्रेस वगैरह, ये तो छोड़ो इन बातों को। मैं इसलिए हमेशा कहता हूं, 10 रुपए की घड़ी गई, कितना दुख होता है समकित, उतना ही 10 रुपए संबंधी, चली गई ये दूसरी खरीद लाना। लोग तो 4-4, 5-5 लाख की आती, एक चली गई तो दूसरी पहन लेंगे, क्यों 1 लाख की घड़ी गई तो फिर उतना दुख होगा, और 10 लाख की गई उतना दुख होगा, जितनी सामग्री गई उतना दुख होगा। हालांकि मुंह से रिलेट करना है, फिर देख लेंगे बाद में। और मरण किसका नाम जानते हो, सभी सामग्री के एक साथ छोड़ना, बेटा कितना दुख होगा, जितनी ज्यादा सामग्री छूटी उतना दुख हुआ, होता ही है, लोक में ही है। और मरण का अर्थ समस्त सामग्री को, चेतन अचेतन मिश्र, समस्त मिश्र समझते, मिश्र कौन है, मिश्र ये 3 प्रकार के संयोग बताए, समयसार प्रारंभ 21, 22, 23 कुछ छंद होगा देख लेना, सचित अचित मिश्र है क्या कुछ ऐसा। अरे स्त्री पुत्र को मिश्र संयोग कहा, क्यों, वो चेतन प्लस अचेतन वाला मैटर है ना, ऐसा ऐसा कुछ। अथवा ऐसा ले सकते हैं नगर ग्राम आदि अचेतन, और ये सब ये चेतन, और इनसे युक्त ग्राम वो मिश्र, ऐसा भी लिया, वो जो जो जैसा लेना है सुन लो, पूरे करते हैं बात को। कारण कि मरण समय प्राय मनुष्यों के परिणाम बहुत दुखी हो जाते हैं, बेबस हो जाता है, मजबूर हो जाता है, तथा कुटुंबी जनों वो धनादि से ममत्व नहीं छूटता। अचानक कैसे हो गई ये प्रक्रिया, तो बिना मेहनत की तो थी नहीं है, आइन टाइम पर नहीं होगा ये, भूधरदास जी के शब्दों में बोलो, कल देखेंगे, भूधरदास जी के शब्दों में बोलो, राइट बिफोर प्यास लगने के राइट बिफोर तुम्हें कुआं खोदना चालू करना था, और क्या उनके शब्द तो मुझे याद नहीं आए, फिर प्यास लगने के बाद तो कुआं खोदना चालू करेगा तुमको, हाँ वो तो लोक की है ही संज्ञा, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चूक गई खेत, ये तो मैं जा रहा हूं, नमो का आता है, तैरना आता है सेठ जी, तैरना आता है सेठ जी, नहीं लो नमोकार मंत्र के नाम मैं जा रहा हूं, फिर ये राइट बिफोर सीखना चाहिए था, अब नमोकार मंत्र बोलेगा क्या, और नमोकार मंत्र उसको तारेगा क्या उस नदी में से, ना उस नदी में से तारता है ना इस नदी में से तारता है, बाबा किसने ठेका नहीं लिया है, उन्होंने अपने अपने बल पर बाहर निकले है, ऐसा हाथ पैर फड़फड़ाते हुए भी तो वे यही लटके रह जाते, समझ में आता है, या पर कोई किसी को हाथ देता नहीं है, मांगता नहीं है, लेता नहीं, और देने लेने के आश्वासन भी करता हो तो धोखा देता करता है वो, ये थोती बातें है, अतः यूं कहो एक सभ्यता की भाषा है ये, कुछ दिक्कत आए तो हमें बोल देना, सभ्यता है, वात्सल्यांग है, ये तो चरणानुयोग की शैलियां है, वो ठीक है अपने अपने स्थान पर, वस्तु स्वरूप कुछ नहीं है ऐसा। ओम नमः।